गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस फर्स्टली वैन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर तो जो भी अपने को एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो अपने को सॉल्ट एंड वाटर आंदगा तो, तो अपने रिएक्शन लिखी एसिड प्लस बेस रिएक्टेंड नहीं तो प्रोडक्ट अपने को सॉल्ट प्लस वाटर तो अपने कोल जो एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो उसमें अपने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देने तो अपने कोल रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेन रिएक्शन न्यूट्रलाइज मीन ज अपने कोल न्यूट्रल हों कोई भी अपने को पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज नहीं होता तो एग्जाम्पल अपने कोल एच प्लस एन यू एच टू की बनता है एन ए सी एल प्लस एच टू तो अपने को आइंस ने मिलके अपने को सॉल्ट बना रहे प्लस वाटर बना रहे हैं देन अगर अपने को एक स्ट्रोंोंोंग एसिड है एंड वीक बेस है तो जो अपने को प्रोडक्ट आएगा वो अपने को की जो स्ट्रोंोंोंोंोंोंोंोंोंोंग होएगा तो एसडिक अपने को कोोंोंोंग सी तो एसटिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर अगर अपने को वीक एसिड है स्ट्रोंोंोंग बेस है तो जो सॉल्ट आएगा वो आएगा अपने को बेसिक आएगा प्लस वाटर आएगा अगर दोनों तो अपने को कोग एसिड एंड स्ट्रोंोंग बेस ने तो न्यूट्रल सॉल्ट आएगा प्लस वाटर अगर वीक एसिड एंड वीक बेस है तो भी अपने को न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर आएगा देन रिएक्शन हो रही है अपने को मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स द मेटेलिक ऑक्साइड के ने जो अपने को मेटल ऑक्सीजन देना रिएक्ट कर दिया अपने को और प्रोडक्ट बनाने उन मेटेलिक ऑक्साइड जो मैं फर्स्ट दे विच गल कीती सी मैग्नीशियम को अपने को किया ऑक्सीजन दी प्रेजेंस विच रख दे तो अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो जो मेटल अपने को के जिस मेटल ऑक्सीडेशन हो जाता उसको मेटेलिक ऑक्साइड्स बोलते हैं और उससे रिएक्शन हो दे विद एसिड तो जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक होंगे नेचर मीनज अपने को बेसिक ने और इग्जाम्पल सी ए प्लस एंड एम जी ओ बेसिक ऑक्साइड है तो मैटैलिक ऑक्साइड जो रैक्ट करते हैं एसिड के ना तो अपने को सोल्ट प्लस वाटर आ रहेगा देन अपने को मेटालिक ऑक्साइड वह भी अपने को एक बेस की तरह वर्क कर रहा है तो जो बेस एंड एसिड अपने को रैक्ट करता है तो अपने को सॉल्ट प्लस वाटर आ रहा सेम ही इतने तो अपने कोल कैल्शियम ऑक्साइड नो आप टू एच सी एल्ल जो रैक्ट करवा रहे तो कैल्शियम कलोराइड प्लस वाटर आ रहा है नेक्स्ट अपने कोल है रिएक्शन ऑफ नॉन मैटैलिक ऑक्साइड विद बेस तो अपने जो नॉन मैटैलिक ऑक्साइड ने एसटिक ने अपने कोचर के और वो अपने तो को बेस के रिएक्ट कर देता एसिड एंड बेस जो भी रैक्ट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर तो नॉन मैटैलिक ऑक्साइड के जो अपने कोल ऑक्सीजन के न रिएक्ट नहीं करते इतने अपने को कार्बन डाइआक्साइड जो बेस है वह अपने को कैलशियम हाइड्रोकसाइड के न रियक्ट करके कैलशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है ਹੋਂਦਕਾਪਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੈਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡਸ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ और मेटल हाइड्रोकार्बन तो के हम अपने को सिमिलैरिटीज़ की हैं एसिड एंड बेस दियाँ देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल एसिड हैव एच पॉजिटिव आइन इन कॉमन का कहते जो भी कोल अपने एसिड्स ने उन्हें एच पॉजिटिव आइन होंगे ने ऑल एसिड प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आइनता मीनस अपने को एसिड्स ने एच पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं सैकेंड ऑल बेस हैव ओ एच नैगटिव हाइड्रोक्सली आइन इन कॉमन का कहते जो बेस ने उन्हें अपने को एच नैगटिव आइन जो होंगे ऑल बेस प्रोड्यूस ओ एच नैगटिव आइन बेसिस बेसिज अपने कोटिव आइन प्रोड्यूस कर देना। मेरे की क्या एसिड्स प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आइन इन सल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एस्टिक प्रॉपर्टी तो कहें जो अपने कोच पॉजिटिव आइन एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने को उस दिक प्रॉपर्ट नो शो करता है तो अपने को जो दो भी एसिड्स ने तो अपने कोलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू एच पॉजिटिव आइन बट बेस इज नॉट तो उन्होंने क्या द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स तो कहते एच पॉजिटिव अपने कोसिड्स केस में अपने को अगर आप इलैक्ट्रिक बल्लब जलाने तो अपने को ग्लो कर जाता ਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਸ ਕੈਰੀਡ ਥਰੂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਇਨ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਦਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ नेक्स्ट इज़ अल्कलीज अल्कलीज ने दीज आर बेस विच आर सोलोबल इन वाटर तो जो अपने को बेस वाटर वॉटर घुलल जाते हैं उन्होंने आपकलीज़ बोलते हैं और जो अपने कोल सारे स्ट्रोंग बेस से वो अपने अल्कलीज़ ने एग्जाम्पल उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡ অর ਬੇਸ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ెంట్ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅਲੋਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਸ ਐਚ 3ਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ एच थ्री ओ पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइनस तो अपने को फॉर्म एगजिस्ट कर तो एच पॉजिटिव आइन वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आइन बना है और अपने को एच सी एल है जो वाटर रैक्ट करता है एसिड वाटर दे रैक्ट करता हाइड्रोनियम आइन प्लस क्लोरीन आइन अपने प्रोड्यूस करता है सेम वैन बेस डिजोल्व इन वाटर गिव ओ एच नैगटिव आइन तो आप गल की जो बेस उन्हें ओ एच नैगटिव आइन हूँ ने तो जो वाटर से डिजोल्व करते हैं अपने को तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने को बेस है वाटर देना रैक्ट कराया सोडियम पॉजिटिव और ओ एच नैगटिव आइन है जो अपने को देम दे मैगनीशियम के दे केस के हो रहा तो अपने को बेस सोलोबल इन वाटर आर कोल्ड एल्लीस पहले ही गल की जो अपने को बेस ने सोलेबल होंगे ने वाटर से उन्होंने आप एलकलीस बोलते हैं ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਡਿলিউਟਿੰਗ ਐਸਿਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿলিউਟ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸਿਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰ ਡਿলিউਟਿੰਗ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੋਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਲਿਓਕਰ ਸੋਰੀ ਐਸਿਡ ਆ ਜੋ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿলিউਟ ਕਰਨਾ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਟ recommended that the acid should be added to water ta kende acid nu apne kol water de vich add karna chahida hai not water to acid but water nu acid de vich nahi because jad apne kol acid nu jadon react karwana hai water de naal to apne kol exothermic reaction to the apne kol bahut sari amount de heat produce hundi hai aur apne kol jo the temperature oh increase ho janda to apne kol kai wari is oda jehda beaker de vich usnu rakha hoyo apna break ho jaye aur apne upar je pe gaya to usde naal kya harmful effect apne ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਿলিউਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਿਕਰੀਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस रिलेशन स्ट्रेंथ अपने कोई एसिड और बेस कि स्ट्रोंग है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एसिटीमेटड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर तो अपने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है वह एसडिक का जो बेसिक का तो उस अपने को यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करा जिमें लिटमस पेपर की गल की सर टर्मरिक अपने को लिटमस पेपर है अगर अपने को होंगे एसिड के ब्ल्यू टू रैड होंद दैन अपने को सेम बेस के रैड टू ब्ल्यू हूं तो यूनीवर्सल इंडीकेटर अपने को चीज़ है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैवरल इंड तो काफ़ी सारे इंडीकेटर अगर मिला लेंगे तो यूनीवर्सल इंडीकेटर है इस शोज डिफरेंट कलर एड डिफरेंट कंसनट्रेस ऑफ एच पॉजिटिव आइन इन दोल्यूशन का अपने को इंडीकेट होएगा अपने को अलग वैल्य। अलग वैल्यू के उपर अलग अलग कलर शो करेगा जीरो के उ कलर अलग होएगा टू के उपर अलग होएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा कोई तो एसिड है और बेस है नेक्स्ट पी एच स्केल कि अपने को स्केल फॉर मेजरिंग एच पॉजिटिव पॉजिटिवाइन कंसनट्रेस इन सोल्यूशन अपने कोई लैथली स्केल होंगे सेम अपने को एसिड और बेस चैक करने भी एक स्केल है जिसनों आप पीएचएस स्केल बोल देने पीन पी एच एस स्केल, स्केल स्टैंड फॉर प्रोटोजन आज जर्मन वर्ड अपने को प्रोटोजन तो लग गया जिसका मीनिंग अपने को पावर तो आपसिड और बेसिक पावर चैक कर रहे हैं किसने पीएच स्केल देना तो अपने को जो पी एच स्केल है जीरो टू सैवन तक होंगे अपने को डिफरेंट कलरस होंगे डिफरेंट पी एच वैल्यू लीरो लिए ली डिफरेंट कलर है वन ली टू अलग तो है थ्री अलग फोर अलग अप टू फोटीन तो कहें अगर अपने को किसी भी आपूँ लिक्विड के लिए पा रहे हैं तो उ अपने को पी एच वैल्यू अगर सैवन आ रही है तो अपने को न्यूट्रल सोल्यूशन होएगा तो मीनज अपने को जो वाटर है वो अपना की है न्यूट्रल सल्यूशन आएगा दैन उस तो बाद अपने जो वैल्यू पीएच दैस दैन सैवन आ रही है तो अपने को होगा एसडिक सोल्यूशन उस एच पॉजिटिव आइनज ने जो ज्यादा अमाउंट के होगा अगर अपने को वैल्यू मोर दैन सैवन है दैन की होएगा अपने को बेसिक सोल्यूशन होएगा तो आप लैब देख सभी अपने कोई सोल्यूशन एसडिका बेसिक है यूजिंग पीएच स्केल दैन स्ट्रेंथ अपने कोसिड एंड बेस डिपेंड अपन द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आइन एंड ओ एच नैगटिव आइन तो अपने कोई एसिड और बेस कि स्टोंग है किसते डिपेंड करेगा एच पॉजिटिव

जो एच पॉज ओ एच नैगटिव आइन इनक्रीज़ हो रहे हैं एच पॉजिटिव डिक्रीज होने ये कि अपने को फोर्टीन जाके ओ एच नैगटिव आइन उ भी अपने कोच पॉजिटिव आइन हो सकते हैं बट लैस अमाउंट के तो अपने जो सैवन दियर अपना जो वाटर है वो अपने को ने न्यूट्रल है ठीक है अपने को एसटिक है ना वो अपने को बेसिक अपना जो ब्लड है लिटल बिट अपना बेसिक है तो अपने को जो अगर जीरो के उपर वैल्यू है तो मोर एसडिक है सैवन के उपर लैस है और इधर न जा बेसिक मोर बेसिक होएगा तो अपने को एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर एच पॉजिटिव आइन आर सैट टू बी स्ट्रोंग जिस एच पॉजिटिव वाइन ज्यादा होगी स्ट्रोंग एसिड होएगा और अपने को लैस एच पॉजिटिव होगी तो अपने को वीक एसिड होएगा